दोस्तों ऐसा कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। जिसमें कुछ बड़ा करने का जज्बा और जुनून होता है तो उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। ये बात साबित करके दिखाई है एक उड़ीसा के लड़के ने। जी हाँ दोस्तों, जिसने सबसे कम उम्र में युवा अरबपति होने का टैग अपने ऊपर लगा लिया है। जी हाँ दोस्तों, जिसने 7,800 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। इतना ही नहीं तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद आज IIT और IIM से पढ़े लिखे बच्चों के टीम का नेतृत्व करता है। जी हाँ दोस्तों, आज जिसकी कंपनी जापान, फिलीपींस, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, नेपाल, मलेशिया जैसे देशों के 500 शहरों में 4,50,000 रूम के साथ खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओयो की और ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डोंट गिव अप। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा का एक छोटा जिला कटक के बिसान से, जहाँ जन्म होता है रितेश अग्रवाल का 16 नवंबर 1993 को। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी प्रतिभा से यह साबित कर दिया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती। दोस्तों रितेश अग्रवाल का शुरुआती शिक्षा वहीं के स्कैड हर्ड स्कूल से हुई और जी हाँ, उसके बाद उन्होंने IIT में एडमिशन लेने के लिए कोटा आ गए। कोटा आने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमने का शौक रखा करते थे और घूमते घूमते वो होटल में रूम किया करते थे। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने एक किताब भी लिख डाली, द कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ 100 इंजीनियरिंग कॉलेज। 16 साल की उम्र में रितेश का सिलेक्शन TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के कैंपस में हुआ, जहां पर एशिया के सारे लड़के जमा होकर टेक और साइंस की बात किया करते थे। और रितेश अलग अलग शहरों में जाकर, जिसमें खास मुंबई और दिल्ली में जाकर अलग अलग सम्मेलनों में भाग लिया करते थे। और रितेश को पढ़ने का भी बहुत शौक था। पढ़ते पढ़ते उन्होंने वो सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि किसी भी कंपनी को चालू करने के लिए फंडिंग कहां से आएंगी। रितेश अलग अलग शहरों में जाकर होटल में रूम किया करते थे तो अपने बजट के अनुसार रूम ढूंढने में उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था और यहीं से उनके दिमाग में बिजनेस आइडिया ने जन्म लिया। जी हाँ दोस्तों, Airbnb से वो बहुत प्रभावित। Airbnb सैन फ्रांसिस्को की एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। जी हाँ, वहां से बिजनेस आइडिया लेकर रितेश अग्रवाल ने भी एक हॉस्पिटैलिटी होटल कंपनी डालने का निर्णय 2012 में अपने कल स्टाइलिश करके कंपनी डाल दी, जिसमें लोगों को होटल पे रूम ढूंढने में सुविधा मिलने लगी। लेकिन ये कंपनी कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे लोगों के आकर्षण में कम आने लगी, क्योंकि वहां से सस्ते रूम तो मिल जाया करते थे लेकिन रूम की फैसिलिटीज और साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और धीरे धीरे ओरेकल स्टाइलिश नीचे आने लगी। तब रितेश अग्रवाल ने ओरेकल की कमियों को जाना, उसकी स्टडी की और लोगों को फैसिलिटी और साफ सफाई कैसे दी जा सकती है इस पे काम किया और अपनी कंपनी को री इन्वेस्ट करके फिर बना दिया ओयो, जो आज दुनिया की बेहतरीन कंपनी है और लगभग बहुत सारे देशों में उसके होटल्स और रूम अवेलेबल हैं। दोस्तों इतना आसान नहीं था रितेश अग्रवाल का ये सफर पूरा करना। उन्हें स्टार्टिंग में फंडिंग के लिए थोड़ा सा प्रयास जरूर करना पड़ा और बाद में उन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिलना भी शुरू हो गई। आज ओयो की सफलता को और ग्रोथ को देखते हुए बहुत सारे वेंचर कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करने में लगे हुए। लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर, DSG कंज्यूमर पार्टनर जैसी वेंचर कैपिटल कंपनीज हैं और धीरे धीरे ओयो दुनिया में अपना नाम करते जा रही है। एक छोटी सी कंपनी जिसका नेटवर्थ आज 35,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों रितेश अग्रवाल ने कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करके ये साबित कर दिया है कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा और जुनून है तो आप भी उन चीजों को कर सकते हैं, बस आप में उसको करने की जिद होनी चाहिए। अगर आपको ये रितेश अग्रवाल की बायोग्राफी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हिट करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।